students, today I am going to teach you a new lesson, a gift for mom. So let's get started. As Mr. Jain maestri turned the page of a family member, she wondered how swiftly time had flown as by. Mr. Jain family album ko dekhte hue sochti hai ki itni acche samay kaise itne jaldi beet gaye. It seemed it was only yesterday when Faraz had taken their reins of his father's business in his hand. कुछ ही समय बीते हैं फराज को उसके पापा के बिजनेस को अपने हाथ में लिए हुए. He had worked day and night to fulfill the dream of his father. वह अपने पिता के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता है. जरीन आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ प्राइड फॉर हिज सन. जरीन का आंख अपने बेटे के लिए आंसू से भर जाता है. ही हैड सर्टेनली कम अ लॉन्ग अवे फ्रॉम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन विथ हिज हार्ड वर्क. Now Zarin's only regret was that her son was not able to spend with much time with her. Zarin की माँ बहुत ही उदास रहती है, बहुत ही सॉरी फील करती है क्योंकि उनका बेटा बिजनेस की वजह से उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता. His business kept his away for days. बिजनेस की वजह से उसे बहुत दिनों तक उनसे दूर रहना पड़ता. But today was certainly not a day to be unhappy. Faraz was coming home. But आज फराज घर वापस आ रहा है. जरीन had eagerly waiting for him all day. जरीन की माँ और पूरे दिन से वह अपने बेटे का वेट कर रही थी बहुत ही एक्साइटेड होकर. When the doorbell rang, जैसे ही doorbell बजा जरीन's happiness knew two bounds. जरीन की खुशी की कोई लिमिट नहीं रही जैसे उसने डोरबेल का आवाज़ सुना. सी रस्ट टुवर्ड द डोर टू वेलकम हर सन. वह डोरबेल वह गेट की तरफ जाती है अपने सन के वेलकम करने के लिए. फराज हग्ड हिज मदर एंड स्टूड लुकिंग फॉर अ मोमेंट एट हर फेस बीमिंग विद अफेक्शन. फराज जो है उसकी माँ को गले लगाता है और उनके फेस की तरफ वह देखते रहता है. वाट took you so long. You should have reached home 2 hours ago, asked Jain. Jain पूछती है वह इतने समय तक कहाँ रह गए, इतने लेट तक कहाँ था. You know how bad the roads and traffic can get during the monsoon. At times it can be real means, replied Faraz. Faraz क्या बोलता है, bad roads और traffic की वजह से, मौसम की वजह से उसे आने में लेट हुई. Anyway, look, I have made your favorite spring in spicy tomato curry today. उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, आज मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है स्पाइसी टोमेटो करी. वाह मॉम वाह माई माउथ हैज ऑलरेडी बिगन वाटरिंग. वह अपनी माँ को बोलता है वाह ये तो मेरी फेवरेट है. वह उसके मुँह में पानी आने लगा. अपनी माँ को थैंक्स मदर थैंक्स कहता है. दे हरी अप इट हैज बिन विंक सिंस अप डाइन टुगेदर. वह से बोलती है जल्दी से आकर हम लोग साथ में खाने खाएंगे, जल्दी आओ. आई मिस यू सन, सेड जरीन इन हाफ चॉक्ड वॉइस एंड क्विकली टर्न टू वाइप हर आईज दैट हैड वेल्ड अप अगेन. वह यह बात बोलते हुए अपने आंखों को पोंछती है क्योंकि उसे फिर से उसकी आंखें भर आती है आंसू से. इसलिए वह उसे बोलती है कि तुम जल्दी से आओ ताकि हम लोग साथ में खा. While Zarin had cooked her son's favorite dish for him, Faraz too had a mother surprise for his mother. After having the delicious meal, he asked her a wait for a moment at the dinner table. Faraz जो है वो अपनी माँ के लिए कुछ surprise था उसके उसने रखा था. तो वो खाना खाने के बाद वो अपनी माँ से कहता है कुछ देर तक dinner table पे ही wait करने के लिए उसका. He soon रिटर्न विथ अ लैपटॉप. वह जाता है और लैपटॉप लेकर आता है. वाट हैव यू आउट दिस हेयर फॉर. उसकी माँ से पूछती है वाट हैव यू ब्राउट दिस हेयर फॉर. यू मिस मी अ लॉट डोंट यू, आस्क्ड फराज. वह अपनी माँ से पूछता है कि आप मुझे मिस नहीं करते थे करते हैं. सो हियर इज समथिंग डैट विल नेवर लेट यू फील अलोन. आई एम नॉट अ चाइल्ड टू प्ले गेम्स ऑन दिस लैपटॉप. इट इज ऑफ नो यूज़ टू मी. उसकी माँ से कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो प्ले गेम्स लैपटॉप पे खेल सकती हूँ. ट्रस्ट मी मदर एंड बी पेशेंस. वह फराज अपनी माँ से कहता है ट्रस्ट मी मदर, मुझ पर विश्वास करो माँ और कुछ पेशेंस रखो. ही प्लेस द लैपटॉप इन
फॉन्ट ऑफ हिज मदर एंड वेंट टू द नेक्स्ट रूम। फराज जो है अपनी माँ के सामने लैपटॉप को रख देता है और वह दूसरे रूम में चले जाता है। ही कम बैक अगेन एंड क्लिक द वीडियो बटन ऑन द स्क्रीन। फराज वापस फिर से अपनी माँ के पास आता है और वीडियो बटन को ऑन कर देता है। जरीन वाज अमेज्ड व्हेन शी सॉ द इमेज ऑफ द नेक्स्ट रूम ऑन द स्क्रीन। जरीन जो है वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है बहुत ज़्यादा यह देखकर कि वह उसे उस इमेज में दूसरे रूम की इमेज दिख रही है। व्हाइल शी वाज स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग शी वाज फराज ऑन द स्क्रीन। वह यह देख के खुश होती है कि उसका फराज का बेटा दूसरे स्क्रीन पर उसे दिखाई दे रहा है दूसरे रूम में। कैन यू हियर मी मदर, उनका बेटा पूछता क्या माँ मुझे सुन सकती हो। यस बट व्हाट इज दिस फराज, वह फराज से पूछती है कि यह क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, यह क्या हो रहा है। आग्स इज सरप्राइज जरीन, जरीन बहुत ही आश्चर्यचकित होकर यह बात पूछती है कि यह क्या है, यह क्या हो रहा है। दिस इज कॉल्ड अ वीडियो चैट मदर, वह अपनी माँ से कहता है यह वीडियो कॉल चैट है। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी नॉट ओनली कैन यू स्पीक टू मी बट सी मी एज वेल एज, वह अपनी माँ को कहता है कि ना ही आप सिर्फ मुझे देख सकती हैं बल्कि आप मुझे सुन भी सकती हैं। फराज टॉट हिज मदर हाउ टू वर्क ऑन द लैपटॉप एंड बिगिन अ चैट सेशन। फराज जो है अपनी माँ को वह बताता है कि कैसे वर्क करते हैं लोग लैपटॉप पे और किस तरह से चैट करते हैं। जरीन हेजिटेटेड अ लिटिल एंड देन आस्क्ड व्हाट इफ आई फॉरगेट समथिंग। जरीन उसे पूछती है व्हाट इफ आई फॉरगेट समथिंग, डोंट वरी मदर आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड गुलमेह टू हेल्प यू। वह अपनी माँ को कहता है डोंट वरी मदर आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड गुलमेह टू हेल्प यू। यू मीन्स निदा डॉटर्स गुलनैस, गुलनैर कौन था, निदास डॉटर। सी इज हार्डली 10 years ओल्ड, गुलनैर कितने साल का था, 10 years ओल्ड इसका। विल सी बी एबल टू हेल्प मी, ऑफकोर्स सी इज वेरी क्लेवर गर्ल, वह क्या बोलती है क्यों नहीं, जरूर वह बहुत ही क्लेवर गर्ल है बहुत ही चालाक लड़की है। देन लेट हर टीच सोहा एंड हुमा एज वेल एज बोथ योर आंट्स विल बी सो एक्साइटेड टू नो अबाउट सच एज टेक्नोलॉजी। वह कहती है फराज से कि द लेट हर टीच सोहा एंड हुमा एज वेल एज बोथ योर आंट्स विल सो एक्साइटेड टू नो सच एज टेक्नोलॉजी। वह इस टेक्नोलॉजी को देखने के बाद इसके बारे में जानने के लिए वह बहुत एक्साइटेड है इसकी दोनों आंटी। स्योरली मदर डैट्स अ ग्रेट आइडिया, वो अपनी माँ को कहता है जरूर माँ यह बहुत ही अच्छी है बात है। जरीन थैंक्ड हर सन फॉर हिज वंडरफुल गिफ्ट, जरीन जो है अपने फराज बेटा को थैंक करती है क्यों, क्योंकि उसने इतनी अच्छी वंडरफुल गिफ्ट दिया लैपटॉप दिया जिस वजह से वह अपने बेटे से दूर रहकर भी बात कर सकती है इसे देख सकती है। सी वॉज नेवर लर्निंग देयर आफ्टर, वह कभी अकेला फील नहीं करेगी। इसी के साथ स्टोरी कंप्लीट होता है।